हाय एवरीवन, स्टॉक मार्केट गाइड फॉर बिगिनर्स पार्ट टू में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एंजल ब्रोकिंग के साथ अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको क्लिक करके अकाउंट खोलिए और समझदारी से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। दिस इज़ अ एब्सोल्युटली फ्री अकाउंट, नो ओपनिंग चार्जेस आर एप्लीकेबल। मैं सीएमएस विपुल शाह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर अपन ने जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं उनके लिए अपन फ्री में लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी एक पार्ट रिकॉर्ड किया है, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा रहेगा तो उसको आप देख लेना, क्योंकि ये कनेक्टेड है। सो लाइक दिस देर आर फाइव बेसिक लेक्चर्स एंड फिर धीरे धीरे मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, पूरा ट्रेडिंग कैसे होता है ये धीरे धीरे अगले दो तीन महीने में आपको पूरा पढ़ा दूंगा। बट आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप, ताकि जिसको शेयर मार्केट का ABC पता भी ना हो उसको भी पूरा समझ में आए। अपने को ट्रेड करना है बट वो समझ के करना है, घाई गड़बड़ में नहीं करना है, तब तक आप डीमैट अकाउंट खोल के रख सकते हैं। चलो, तो अभी आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले, आइए देखते हैं वन बाय वन शेयर मार्केट कैसे काम करता है वो अपन देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में स्टॉक मार्केट क्या होता है मैंने आपको कहा था, स्टॉक इंडेक्सेस क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, IPO क्या होता है, अपन ने बहुत सारे बेसिक चीज़ों बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे। यहाँ पे भी मैं बेसिक टर्म्स ही डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोर्स का नाम ही क्या है, स्टॉक मार्केट गाइड फॉर बिगिनर्स। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप पूरा फंडामेंटल टेक्निकल सब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। चलो ना, अभी अपन इस वीडियो में छोटा सा वीडियो हम देखने वाले कि कौन से की टर्म्स अपने को समझ में आना ज़रूरी है। पहला जो की टर्म है वो है SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी इनका रोल क्या है, जो इन्वेस्टर है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, आपके साथ कोई कंपनी चीटिंग ना करे, फ्रॉड ना करे, झोल ना करे, तो उसके लिए कंपनीज के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं एंड कंपनीज को उतना उसका कंप्लायंस करना पड़ता है। टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड मेक कंपनीज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी, मेक देम मोर अकाउंटेबल फॉर योर मनी, तो ये काम SEBI का है, तो SEBI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं बताओ, कौन होते हैं स्टॉक ब्रोकर, दे आर द मेंबर्स, करेक्ट ना, दे आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे आप जाके ट्रेडिंग करते हो। इन्वेस्टर एंड ट्रेडर का फर्क मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, ट्रेडर मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स बेचते खरीदते हैं, इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। सो व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी, यस ट्राई टू बिकम इन्वेस्टर, ट्रेडिंग में नुकसान ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टर, इफ़ यू होल्ड इट फॉर लॉन्ग पीरियड आपको गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑलवेज यू नीड टू बी इन्वेस्टर, दिस इज माई पर्सनल एडवाइस। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो आपको एक बार जस्ट मैंने रिवाइज करके दिया है। एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये भी टर्म आप बार बार देखोगे कि इसका मार्केट कैप कितना है, जब आप टीवी देखते हैं ना तो ये आपको वर्ड्स सामने आएंगे, तो आपको मतलब पता होना चाहिए। सो व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, उस कंपनी के आज के कितने शेयर्स ट्रेड हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए मार्केट में और उसका आज का वैल्यू कितना है। तो अगर 100,000 शेयर्स है और एक शेयर का वैल्यू 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपया आज उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जितना ये बढ़ेगा उतना कंपनी का पोजीशन स्ट्रांग माना जाता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर एन इन्वेस्टर कि कितना उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चलो नाउ अभी नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट में प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है। देखो कंपनी है, पहले कंपनी उसके शेयर्स क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है, फिर वहाँ पे दो लोग होते हैं जिनके थ्रू अपन बिजनेस कर सकते हैं, एक होता है ब्रोकिंग हाउस एंड दूसरा होते हैं ब्रोकर, दूसरे क्या होते हैं ब्रोकर। ब्रोकिंग हाउस मतलब जैसे एंजल ब्रोकिंग हाउस है, एंड ब्रोकर मतलब जो इंडिविजुअल ब्रोकर है, जो आपको कोई दोस्त रहेगा हु इज़ रजिस्टर्ड विद SEBI, तो उनको बोलते हैं ब्रोकर। सो ब्रोकिंग हाउस इज आर द बिग कंपनीज, जैसे एंजल ब्रोकिंग है इट्स अ ब्रोकिंग हाउस, ऐसे बहुत सारे इंडिया में ब्रोकिंग हाउस है, उनके थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हैं, या कोई इंडिविजुअल ब्रोकर है उसके थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क इतना ही है, जो बड़े स्टॉक ब्रोकर है लाइक एंजल ब्रोकिंग, इनके पास रिसर्च टीम बहुत पावरफुल रहता है, तो आपको जो सपोर्ट दिया जाता है वो ज़्यादा बढ़िया दिया जाता है। जो इंडिविजुअल ब्रोकर है उनका भी रिसर्च अच्छा रहता है, बट लिमिटेशन रहता है, यहाँ पे पूरा 10 लोगों का टीम काम करता है एक एक एरिया पे एनालिसिस करने में। सो यू गेट मोर रिसर्च मटेरियल आपको ज़्यादा ब्रोकिंग हाउस का ज़्यादा मिलेगा, डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। इन केस ऑफ ब्रोकर यू हैव टू टोटली रिलाई ऑन हिज जजमेंट, यू कैन नॉट आस्क हिम एनी डेटा, बट इफ़ यू गो टू ब्रोकर ब्रोकिंग हाउस, उनके वेबसाइट पे काफ़ी सारे डिटेल्स दिए जाते हैं जिसको आप खुद घर पे पढ़ सकते हैं, पूरा रिसर्च कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक
डिसीजन, दैट इज़ एडवांटेज। बाकी कमीशन वगैरह वो मार्जिन थोड़ा फर्क रहता है, बट मेन अपने को क्या है, इन्वेस्टमेंट बराबर करना है। एंड फिर देन एज ए इन्वेस्टर आप डिसाइड कर सकते हैं कि डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू लेना है या ब्रोकिंग हाउस के थ्रू लेना है। अच्छा, लेने के दो तरीके मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, आप डायरेक्टली ऑनलाइन खुद खरीद सकते हैं या यू कैन कॉल एंजल ब्रोकिंग ऑफिस एंड यू कैन आस्क देम उनके रिकमेंडेशन क्या है। आप खुद पढ़ाई करो, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। सो मेरे साथ जुड़ के रहना, मेरा वीडियो पसंद आता है उसको सब्सक्राइब करके रखना। जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं आपको पूरा स्टार्ट टू एंड एक एक चीज़ का बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ, जिससे आपको डिसीजन लेने में डेफिनेटली मदद होगा। एंड नाउ अब एक और एक टर्म आप सुनेंगे, बीड आस्क स्प्रेड। अभी होता क्या है, देखो जैसे स्टॉक एक्सचेंज में दो प्लेयर होते हैं, एक बायर एंड सेलर। सेलर चाहते हैं, जैसे सेलर है, मैंने मेरा वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 150 पाने के बाद बेच देना, मेरे को उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो मैंने मेरा ऑफर प्राइस लिख के रखा है कि 150 पे बेच दो। बायर क्या करता है, ही डिमांड्स एट 125। सो बायर विल ऑलवेज गिव ऑफर टू सेलर एट अ लोअर प्राइस, करेक्ट ना, एंड उसको बोलते हैं बिड प्राइस। अगर वो बोलेगा 125 बेचना है तो आप बोलेंगे मेरे को 100 में खरीदना है, क्योंकि अपना टेंडेंसी बार्गेनिंग करना। वी इंडियंस लव बार्गेनिंग इन एवरी एरिया वेयर एवर पॉसिबल। सो यू विल बार्गेन एंड देन यू बाय। सो इसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड, बिड आस्क स्प्रेड। सो इसको बोलते हैं बिड प्राइस। बिड प्राइस मतलब जो मैंने बिडिंग किया है, सामने वाला बेचना चाहता है 150 में, मैंने खरीदने के लिए 125 पे लगाया है, तो जो बंदा 125 पे बेचने को रेडी है मैं इमीडिएटली खरीद लूंगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बिड आस्क स्प्रेड। सो दैट्स इट दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने लाए हैं। तीसरे पार्ट में और अपन आगे बढ़ेंगे। सो पहले पांच लेक्चर एकदम बेसिक है, एकदम थेरोटिकल है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है एबीसी, वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे विल ऐड मोर टेक्निकल पार्ट ऑल्सो, एंड आपके जो भी रिकमेंडेशन है आप नीचे दे सकते हैं। सो आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।